सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। तो यार आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लाइट रूम ऐप की मदद से कुछ ब्लैक एंड ब्लू टोन फोटो अपने फोटो में ब्लैक एंड ब्लू टोन कैसे ला सकते हो। पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताए हुए हैं, तो वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है, तभी आप सीख पाओगे ऐसा फोटो कैसे आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है, एंड वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है गाइस। एंड चैनल पर पहली बार आया होगा गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आपको फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है। तो गाइज हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइज हम लाइट रूम ऐप में अपना फोटो को ओपन कर लेते हैं जो फोटो एडिट करना है। सो फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा फोटो है ओपन हो चुका है। ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा आपको कलर वाला, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना है आपको सबसे पहले। एंड इसके टेम्प वाला ऑप्शन है पहला नंबर वाला, इसको माइनस कर लेना है, करीब आपको -6 करीब कर लेना है। ठीक है, एंड टिंट को प्लस कर देना है, +11 करीब कर लेना। ओके, एंड इतना कर लेने बाद इसके वाइब्रेशन को थोड़ा बढ़ा लेना होगा आपको, करीब 21 करीब वाइब्रेशन को बढ़ा लेना होगा। एंड इतना सारा ऑप्शन कर लेने के बाद ऊपर की तरफ गोल ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कोना पे, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर सेकेंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये हमारा फेस का कलर है, इसके लेमनेस को बढ़ाओगे तो हमारा जो फेस है वाइट हो जाएगा। ठीक है, इसके लेमनेस को प्लस अपने हिसाब से कर लेना, हम यहाँ पर इसके 35 कर लेते हैं। एंड इसके सेचुरेशन को थोड़ा माइनस कर लेते हैं, -30 करीब। ठीक है, एंड इतना कर लेने बाद येलो वाला ऑप्शन पे आना, एंड इसके ह्यू को पूरा फुल माइनस, एंड इसके सेचुरेशन को फुल माइनस कर लेना होगा गाइस। फिर इस वाला ऑप्शन पे आना है, एंड इसके भी ह्यू को पूरा फुल माइनस, एंड सेचुरेशन को पूरा फुल माइनस। सेचुरेशन को माइनस करते के साथ ही गाइज हमारे पर जो लुक है, बैकग्राउंड का कलर है जो चेंज हो चुका है, एंड इसके भी सेचुरेशन को फुल माइनस कर लेना होगा। ठीक है, एंड पूरा फुल माइनस कर लेने के बाद अब क्या करना है आपको, एंड ये वाला कलर में इसके सेचुरेशन को फुल माइनस करना है सबके गाइज कलर में, पूरा सेचुरेशन को फुल माइनस कर लेना। ओके, एंड कर लेने के बाद फिर डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। एंड डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लाइट वाला, तो लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ब्राइटनेस वाला, एंड अपने हिसाब से कुछ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हाईलाइट ज़्यादा है तो इसके हाईलाइट को हम थोड़ा कम कर लेते हैं गाइस, -40 करीब, एंड इसके शेडो को बढ़ा लेते हैं, शेडो कम कर लेते हैं। ओके, -20 करीब, एंड इसके कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेते हैं गाइस, यहाँ ताकि थोड़ा फोटो अच्छी दिखे। इसके कॉन्ट्रास्ट को कर लेते हैं 11 करीब, एंड वाइट जो ज़्यादा दिख रहा है तो इसके वाइट को भी कम कर लेते हैं, 36 करीब कर लेते हैं इसके वाइट को, एंड ब्लैक को भी माइनस कर लेते हैं थोड़ा, -8 करीब कर लेते हैं। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर जो है हमारा स्टेप इतना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना होगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको क्यूर वाला, तो क्यूर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, एंड ब्लू वाला ऑप्शन पर क्लिक करके गाइस इसको ऊपर की तरफ खींचना है। ठीक है, ये लाइन जो है इसको ऊपर की तरफ, एंड ऊपर की तरफ खींचेगा तो यहाँ पर जो हमारा फोटो है थोड़ा ब्लू टोन आ जाएगा। ठीक है, आपको अपने हिसाब से करना है, यहाँ पर हमारा जो फोटो है ब्लू टोन आ चुका है, एंड कलर के बाद डन वाला ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। फिर ये कलर वाला ऑप्शन पे आएंगे, इसके वाइब्रेशन को थोड़ा माइनस कर लेते हैं, 5 करीब कर लेते हैं, एंड टिंट को भी थोड़ा कम कर लेते हैं, एंड अपने फेस वाला कलर को, इसके लेमनेस को थोड़ा प्लस, एंड सेचुरेशन को और माइनस, एंड ह्यू को थोड़ा प्लस कर लेते हैं ताकि हमारा जो फेस है येलो टाइप का हो जाए। ठीक है, इतना कर लेने बाद गाइस आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर अभी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुका है। एंड इतना कर लेने बाद फिर डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको इस वाला, तो इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, एंड इसके विगनेट को माइनस कर लेंगे। ठीक है, करीब 28 करीब इसके विगनेट कर लेंगे, एंड क्लियरिटी बढ़ा लेंगे फोटो क्लियरिटी, ताकि जो फोटो अच्छा लगे दिखने में, क्लियरिटी बढ़ा लेंगे गाइस इसके 20 करीब। ठीक है, एंड इसके टेक्सचर को भी बढ़ा लेंगे 4 करीब। सो गाइस अभी जो फोटो हमारा बहुत मस्त लग रहा है, एंड डीएच को भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं 7 करीब, एंड विगनेट को और माइनस कर लेते हैं गाइस 32 करीब। तो गाइस आप अभी आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कितना मस्त लग रहा है फोटो। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ट्रायंगल वाला, तो ट्रायंगल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, एंड इसके शार्पिंग को बढ़ा लेंगे थोड़ा 7% करीब, एंड नॉइज़ रेडिएशन को बढ़ा लेंगे। नॉइज़ रेडिएशन से क्या होता है, जो फटाफटा रहता है फोटो वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, एंड फेस भी स्मूथ हो जाता है इससे, तो इसको 8 करीब कर लेते हैं। एंड यहाँ पर जो हमारा फोटो है पूरा अच्छी तरह से एडिट हो चुका है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो बिफोर देख सकते हो कैसा था, एंड आफ्टर देख सकते हो पूरा ब्लैक एंड ब्लू टोन आ चुका है हमारे फोटो में। एंड इसको सेव करने के लिए शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके
सेव टू डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यार हमारा फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो यार कैसा लगा आज का वीडियो, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना चैनल पर पहली बार आए हो तो, एंड कमेंट में बताना कि वीडियो कैसे थी। एंड इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं करो तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, स्क्रीन पर आईडी दिख रही होगी, वहाँ पर आप कोई फोटो पोस्ट करो तो आपको टैग करके पोस्ट करना, मैं आपकी फोटो को देखूंगा एंड लाइक करूंगा एंड कमेंट भी करूंगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।